गीता जो है उसके दो पक्ष हैं, एक पुरुषार्थ का पक्ष है, दूसरा ईर्ष्णात्रय मनुष्य के लिए भगवत गीता, इन दोनों का समन्वय करने के लिए उसके तत्पर है। लेकिन द्वितीय अध्याय की जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें कुछ शब्द आप लोगों को ध्यान रखने होंगे, स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए ये बात बता रहा हूँ कि सांख्य योग, स्थित प्रज्ञ, कर्म अकर्म विकर्म, निष्काम कर्म, आत्मा बुद्धि मन इंद्रियां फल, ये सारे शब्द को अगर हम पकड़ के रखेंगे तो हम ना तो बोर होंगे, ना हम हमारा मन जो है वो विचलित होगा, ना हमारा ध्यान इधर उधर जाएगा। तो जब इस तरह के विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं तो इन शब्दों को जरूर आप पकड़ के रखें, और आज के हमारे विद्वान वक्ता जो हैं वो इन शब्दों को ध्यान में रख करके आगे की बात हमारे साथ लगभग आधे घंटे पौने घंटे के लिए वो करेंगे, और फिर उसके बाद आप लोगों के हम प्रश्नों को स्वीकार करेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर आर के गुप्ता जी को कि वो आज की चर्चा आरंभ करें, द्वितीय लेक्चर जो है, द्वितीय हमारा जो विषय है उसके ऊपर लें। डॉक्टर धन्यवाद आशुतोष जी। सर्वप्रथम सभी मेरे श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है उनका। और बाद में आने के लिए कहूँगा, मैं ये भी चाहूंगा कि आज की और जो कल मैंने उसके ऊपर भी यदि विद्यार्थियों को कोई प्रश्न हो, कोई शंकाएं हो, कोई उत्सुकता भी हो, वो भी शेयर करें तो अच्छा लगेगा। और कल हमने मुख्य रूप से पहले तीन श्लोकों पर ही ध्यान दिया था, और उसके बाद आज मैं प्रारंभ कर रहा हूं अपनी बात चौथे श्लोक से, दूसरे अध्याय के, जो कि अर्जुन उवाच है, जिसमें अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। कल जब मैं अपनी बात कर रहा था, मैंने आप कहा था कि वो जो कहा था कि मधुसूदन के अर्थ को केवल एक दैत्य का संहार ना माने, ये श्लोक पुष्ट करता है, क्योंकि अरिसूदन यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला, तो अरिसूदन और मधुसूदन में अंतर होने के कारण पहली बात तो अर्जुन इसमें अंतर कर रहे हैं। यहाँ पर तीन शब्द हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट हैं चार, जिनके ऊपर मैं व्याख्या करना चाहूंगा थोड़ी सी। कि पहली तो है अर्जुन उवाच। अब अर्जुन का अर्थ क्या है, अर्जुन अवस्था हम किसे कहते हैं, ये एलिगोरिकल है, व्यक्ति विशेष से नहीं है। तो अर्जुन अवस्था का अर्थ होता है सर, जैसा कि स्वामी योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में कहा बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए, कि ध्यान के समय जब प्राण शक्ति और मन का भीतर की ओर प्रत्याहार होता है, आत्म साक्षात्कार की आंशिक रूप से अंतर्मुखी अवस्था को अर्जुन अवस्था अथवा आत्मनियंत्रण की अवस्था कहा जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए अर्जुन का अर्थ क्या है कि आत्मनियंत्रण की अवस्था। यहां पर सर दो शब्द आए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, भीष्म और द्रोण। अब भीष्म एक व्यक्ति नहीं है, ये एक अवस्था है, एक चित्र बताती है कि जब व्यक्ति अपनी वास्तविक आत्म प्रकृति को भूल जाता है और शरीर की सभी सीमितताओं से एक रूप होता है, तब तो वह अहम या भीष्म अवस्था में होता है। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, भीष्म पितामह कौन है, कि जिन्होंने एक प्रतिज्ञा ली वो अपने शरीर के साथ जुड़े रहे तमाम जिंदगी, उसने अपने सभी सीमा उसको एक रूप कर लिया था। और दूसरा है सर द्रोण अवस्था, द्रोणाचार्य हैं जो, जिसमें व्यक्ति पूर्व जन्म की आदतों से उत्पन्न मानव प्रवृत्तियों और संस्कारों पर केंद्रित रहता है, एक बात। दूसरा सर द्रोण जो है शब्द, वो संकेत करते हैं द्रव्य की ओर, जिसका अर्थ क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर आना। और यहां पर आप देखते हैं कि द्रोणाचार्य को ये मालूम है कि वो अधर्म पर हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, यानी कि उनका जो श्रेष्ठतम है शिखर से वो नीचे की ओर आ रहे हैं। तो व्यक्ति जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं कि जब जाने या अनजाने जब वो स्वार्थ में होता है तो वो अपने आप को द्रोणाचार्य की स्थिति में ले आता है। वो भले ही कितना ही पढ़ा लिखा
कितना ही विद्वान क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन वो दुरुणावस्था में आ सकता है। तीसरी बात सर इस श्लोक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर देखिए वो एक शब्द बोला उन्होंने संख्य में अर्जुन। अब यहां प्रश्न आता है कि क्या अर्जुन को यह अधिकार था कि वो युद्ध करे या ना करे। इसके ऊपर सर स्वामी चिन्मयानंद जी ने बहुत अच्छी व्याख्या दी है। वो क्या कह रहे हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी को मैं कोट कर रहा हूं सर, कि धर्म के श्रेष्ठ पक्ष होने तथा दोनों सेनाओं द्वारा लोकमत की अभिव्यक्ति के कारण अर्जुन को व्यक्तिगत आदर या अनादर अनुभव करने का कोई अधिकार नहीं था। और इसके विपरीत यदि उन्होंने कहा कि द्रोण तथा भीष्म का व्यवहार विपरीत था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को भुलाकर अपना संपूर्ण तादम्य कौरव पक्ष के साथ स्थापित कर लिया था। अर्जुन का यह संकेत कि मैं अहंकार ही उसकी मिथ्या धारणाओं और संभ्रम का कारण था। उन्होंने प्रश्न उठाया है कि अर्जुन यहां पर क्या कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार से लड़ूंगा। यदि सर आज को हम इसकी वर्तमान स्थिति में देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं अब बात कर रहा हूं, आज हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो पर्सनैलिटी कल्ट का शिकार हुई है, व्यक्तिवादी होती चली गई है। ये श्लोक उस बात को बता रहा है कि जिस प्रकार से श्लोक में स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा कि अर्जुन को कोई ये अधिकार नहीं था, आज हम क्या देखते हैं, ये आज की स्थिति नहीं सर, आज भी उतना ही है कि मैं अहंकार, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। राजनीति शास्त्र में जो शक्तियां हैं उनका जो केंद्रीकरण होता है जो कि अलोकतांत्रिक होता है। तो ये श्लोक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने और विशेषकर उसका जो उसमें जो व्यक्तिवादी चरित्र उभरा है दुर्भाग्य से, उसकी ओर हमें दिशा निर्देशन देने में बहुत ही सहायक हो सकता है। अब इसके बाद मैं आता हूँ सर, क्योंकि समय की मर्यादा को देखते हुए आज थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, श्लोक को ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूं। पांचवा श्लोक, इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुद्र से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। यहां सर आप देखिए दो चीजें हैं, पहले के साथ ही वो जुड़ी हुई थी, दोनों को यदि हम एक साथ देखें, एक बात तो ये है इन दोनों श्लोकों को जोड़कर जो हमें शिक्षा मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से हमारे लिए पूजनीय है, भले ही वो हमारा विरोधी क्यों ना हो, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन सम्मान का अर्थ ये कदापि नहीं है जो बाद में श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्म का प्रतिकार करने के लिए हमें यदि सम्माननीय व्यक्तियों का प्रतिकार करना पड़ता है तो उचित होगा, क्योंकि सम्मान करना और उनका साथ देना में अंतर होता है। तो इस अंतर को भी हमें समझना होगा। और इसी में सर दो शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक शब्द है महानुभाव। यहां पर सर मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज के संदर्भ में यदि आप देखें जिस प्रकार से हमारे यहां पर राजनीतिक भाषा की मर्यादाओं का, अब तो मैं ये कहूंगा नित्य प्रति नहीं, प्रत्येक क्षण उल्लंघन हो रहा है, हम सब कहते कि वो उचित नहीं है, एक आम व्यक्ति भी कहता है उचित नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम ये क्या पा रहे हैं आज कि किस प्रकार से रोजाना, और यदि इसका नमूना देखना हो तो आप शाम को टीवी चैनल 5 बजे देखना शुरू कीजिए, पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं एक दूसरे के ऊपर या नेताओं के ऊपर एक दूसरे के विरुद्ध जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं या करते रहे हैं, मेरे को
तो उनको रिपीट करते हुए भी, उनको उद्धृत करते हुए भी अशोभनीय सा लगता है। ऐसा नहीं है कि इस श्लोक को मानने वाले नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी ना होकर मेरे को तुरंत एक नाम याद आता है कि जिसने भाषा की मर्यादा का बड़ा ही पालन किया, वो थे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने इंदिरा जी की भी आलोचना की, नेहरू की भी की, राजीव गांधी की भी की, सोनिया गांधी भी की, लेकिन उनका सम्मान भी किया। इंदिरा गांधी को उन्होंने माँ दुर्गा का अवतार भी कहा, जबकि वो इस बात को जानते थे कि इंदिरा गांधी को यदि वो माँ दुर्गा कहेंगे तो राजनीतिक दृष्टि से उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के लिए यदि कहना पड़ा या उन्होंने समझा कि उचित है तो कहा। तो आज ऐसे मैं ये समझता हूँ कि इस श्लोक के माध्यम से, भगवत गीता का ये जो श्लोक है, हमें जो आज राजनीतिक व्यवस्था में मर्यादा की जो उल्लंघन हो रहा है उसके ऊपर हमें सावधान कर रहा है, हमें सजग कर रहा है। दूसरा सर इसमें एक और है शब्द, बहुत अच्छा है, तीसरी लाइन का है वो, हत्वार्थ कामां स्तु, अर्थ काम हेतु। ये जो भीष्म और द्रोणाचार्य हैं, ये थोड़ा सा प्रसंग है सर, कि जब युद्ध शुरू होना था तो युधिष्ठिर, ये महाभारत में आता है, तो युधिष्ठिर गए थे और उन्होंने द्रोणाचार्य और भीष्म से एक प्रार्थना की थी कि भाई धर्म के कारण या तो आप हमारे साथ आ जाइए अन्यथा तटस्थ हो जाएं। तो दोनों ने मना कर दिया था और ये कहकर, क्योंकि हम पूरा जीवन हमारा धृतराष्ट्र के दरबार में या उसके द्वारा दिए गई सुविधाओं के अनुसार रहा है। तो यहाँ मेरा ये जो अर्थ काम की भाषा इस श्लोक में आई है, ये शब्द तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जो आज भी यदि आप देखें, लगभग अधिकांश लोग कह सकता हूं मैं, हम अपने आर्थिक मजबूरियों के कारण अथवा आर्थिक स्थितियों के कारण राष्ट्रहित को त्याग कर व्यक्तिगत हितों, व्यक्तिगत स्वार्थों को तरजीह देते हैं, और ये जानते हुए भी, मैं किसी राजनीतिक दल की यहाँ पर कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ सर, ना करना चाहता हूँ, मेरा केवल इतना कहना है कि हम राष्ट्रीय हित की अपेक्षा अपने आर्थिक स्वार्थों के लिए राजनीतिक हितों को तरजीह देते हैं, जो कि राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। जैसे ठीक उतना ही ये अनुचित होगा जितना कि हम कह सकते हैं कि भीष्म और द्रोण द्वारा कौरवों का पक्ष लिया जाना था। तो हमें अपना अध्ययन, अपने आप, अपने व्यवहार का भी आकलन करना चाहिए इस श्लोक के माध्यम से, कि क्या हम अपने आर्थिक स्वार्थों के कारण कहीं अर्थ काम, यानी काम करते क्या, कि हमारी अन्य वासनाओं की पूर्ति या हमारी अंदरीय सुखों की पूर्ति, केवल अर्थ ही नहीं और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने निजी स्वार्थों के लिए, जिसे मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं कि कहीं हम राष्ट्रीय हित की अपेक्षा राजनीतिक हित को साधने में तो नहीं लगे हुए हैं। तो ये श्लोक जो है, मैं समझता हूँ आज के संदर्भ में जो राजनीतिक व्यवस्था हमारी बन रही है, उभरी है, जिसमें हमारा राजनीतिक व्यवहार आता है, तो हमें अपने राजनीतिक व्यवहार का प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि राष्ट्र इससे बड़ा कोई नहीं है, वो बाल, इसलिए उसको धर्म युद्ध कहा गया। तो इसलिए जो पांचवे में है, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, महानुभाव और अर्थ काम। अब मैं आ रहा हूं तीसरे पर, छठा श्लोक जो है। अब यहां देखिए आप, पूर्ण भ्रम की स्थिति में अर्जुन क्या कह रहे हैं वो, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इस श्लोक के सिर्फ दो भागों में बांटता हूं मैं। पहला है अर्जुन की पूर्ण भ्रम की स्थिति, पूर्ण उसको संशय है अपने ऊपर भी,
कि जब वो ये कह रहे हैं कि वो ये नहीं जानते कि युद्ध करना या ना करना, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, पहली बात। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि अब वो ये भी नहीं जानते कि वो जीतेंगे या कौरव जीतेंगे, वो निश्चित नहीं है। तो इस अनिश्चय की स्थिति होना एक बात है सर, जो कि व्यक्ति को उसके कार्यों से विमुख करती है, और उससे भी ज्यादा क्यों करती है कि जब वो अपने जो कार्य करने जा रहे हैं, यानी युद्ध करें या ना करें, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, ये केवल मात्र व्यक्तिगत नहीं है, ये मूल्यों का प्रश्न उठा रहे हैं अर्जुन, कि उसको नहीं मालूम कि युद्ध करें करना श्रेष्ठ है या ना करना श्रेष्ठ है। इसीलिए आप देखेंगे बाद के प्रसंग में जब आएंगे भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में तक ही श्री कृष्ण ने युद्ध शब्द का प्रयोग किया है, उसके बाद उन्होंने युद्ध क्या नहीं किया बल्कि धर्म युद्ध का प्रयोग किया है। यानी कि जब उन्होंने ये इस बात को कहा कि अन्याय का प्रतिकार करने के लिए किया जाने वाला युद्ध श्रेष्ठ है, इस प्रश्न का उत्तर बाद में उन्होंने दिया है। और तीसरा इसमें सर जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कही अर्जुन ने कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अब यहां देखिए शब्द क्या है, आत्मीय धृतराष्ट्र, जो संशय है, जो अनिश्चितता की स्थिति आती है हमारे जीवन में, वो अनेक बार विवेक पर आधारित ना होकर नहीं होती है, बल्कि हमारी जो भावनाएं हैं वो अधिक शक्तिशाली होती हैं। तो यह श्लोक अर्जुन के माध्यम से इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार से भावनाएं जब श्रेष्ठ हो जाती हैं, या हम उनको भावनाएं हमारे ऊपर कब्जा कर लेती हैं, मैं तो यही कहूंगा। और भावनाएं क्या हैं सर, आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भावना विवेक सम्मत हो, बल्कि अधिकांश विवेक सम्मत होती ही नहीं है। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए शब्द क्या, आत्मीय, कि जब आत्मीयता होती है किसी के प्रति तो हम विवेक को खो बैठते हैं, हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, और जब विवेक और भ्रम इकट्ठा हो जाएंगे तो निश्चित है कि हम अनिश्चय की स्थिति में आएंगे, और हम एक जिसे अंग्रेजी में होप्स एंड चॉइस, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू की स्थिति में होते हैं, और परिणाम क्या होता है कि हम कुछ करारे जो करना चाहिए वो भी नहीं कर पाते। इसी बात को पुष्टि करता है सर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो एक तरह से आप कह रहे थे कि बिल्कुल चेंज कर देगा। अब तक देखिए सर, अर्जुन ने कहीं पर भी श्री कृष्ण को अपना गुरु नहीं माना, शिष्य नहीं माना। अब तक जितना भी कहा है अर्जुन ने श्री कृष्ण को, एक सखा के रूप में, एक साथी के रूप में मानते, एक मित्र के रूप में मानते हुए, यहां पर उन्होंने मार्गदर्शन के लिए नहीं कहा, केवल अपनी बात कही है। लेकिन जो सातवां श्लोक है, यहां पर आकर अर्जुन अपना शिष्यत्व स्वीकार करते हुए क्या कह रहे हैं, इसलिए कायरता रूप दोष से उपात हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। यहां सर बहुत दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहले वो क्या कह रहे हैं कि कायरता रूप दोष से उत्पन्न हुए, कुछ अनुवाद में इसको ये भी कहा गया कि करुणा से पूरी तरह से परिपूर्ण होने को भी कह सकते हैं। अब यदि कायरता आ जाती है व्यक्ति के मन में, वो कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, वो न्याय या विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता।
और उससे भी बड़ी बात वो क्या कहते हैं कि धर्म के विषय में मोहित हुआ। बाद में वैसे मैं करूंगा धर्म की विस्तृत व्याख्या, क्योंकि तो बाद में आनी है, लेकिन यहाँ धर्म का अर्थ क्या है? यहाँ अर्जुन किसी हिंदू धर्म या सिख या मुस्लिम ईसाई इस्लाम यहूदी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं धर्म का अर्थ कि जो हमें धारण करना चाहिए, अर्थात हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारा आचरण जो कि धार्मिक हो। अब धार्मिक का यहाँ पर अर्थ क्या है? संक्षेप में कहें, विद्यार्थियों के लिए मैं मुख्य रूप से कहना चाह रहा हूं कि मानव धर्म एक ही है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में हम कहें, टू सर्व द सोसाइटी, समाज की सेवा करना, अपने आप को समाज के साथ जोड़ना, योग। भगवद गीता पूरी की पूरी योग पर इसलिए आधारित है, यानी कि जुड़ान जुड़ना। धर्म तोड़ता नहीं है, मानव धर्म किसी के साथ किसी भी आधार पर तोड़ने का नाम नहीं है, वो जोड़ने का नाम है। तो यहां पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, धर्म के संबंध में मैं मोहित हुआ, क्योंकि तो उसके आगे एक समस्या है कि वो युद्ध के मैदान में खड़ा है, युद्ध में तो हिंसा है, युद्ध में तो बिखराव है, युद्ध में तो तोड़ है, ना कि जुड़ाव है, लेकिन दूसरी ओर न्याय की रक्षा के लिए, समाज के संरक्षण के लिए युद्ध अनिवार्य भी है। तो अर्जुन के सामने धर्म के दो स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। अब वो स्वाभाविक है कि एक संशय उत्पन्न हो गया है उसके मन में कि धर्म के बंध में सम्मोहित हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि धर्म का कौन सा पक्ष मैं लूं, इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं सर, ये शिक्षकों के रूप में अपने सहयोगियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, ठीक है सर, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो साधन कल्याणकारक हो, ये जो आगे ना सर, निश्चितम यच्छे स्या निश्चितम ब्रूहिम तन्मे, यानी के एक शिक्षक का यह प्रथम कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि वह अपने विद्यार्थियों, अपने शिष्यों के लिए वही बात कहे जो निश्चित रूप से उनके लिए कल्याणकारक हो। क्षमा के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, यहां पर अभी एकदम मेरे ध्यान में आया जब शिक्षक के रूप में बात करते हैं कि अनेक बार हम लोग अर्थ या स्वार्थ पूर्ति के लिए ट्यूशन को बढ़ावा देते हैं, जो गलत है, क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि हमारे सभी विद्यार्थियों का कल्याण हो तो उसके लिए हमें क्लासरूम में ही अच्छा पढ़ाना चाहिए। जो चीज हम ट्यूशन पढ़ाते हैं वो वहां हम क्यों नहीं पढ़ा देते हैं? क्योंकि हम ट्यूशन क्या कह के करते हैं, क्योंकि आप यदि ट्यूशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे, लेकिन वो अंक किसके आएंगे जो ट्यूशन करते हैं। तो शिक्षकों को ये चाहिए, उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं, कि हम अपनी योग्यता के अनुसार पूर्ण प्रण से विद्यार्थियों के लिए जो कल्याणकारक है वो बात कहें, उनको जो हम शिक्षा दे रहे हैं कि जिससे कि उनका कल्याण हो सके। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि मैं आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब ये है विद्यार्थियों के लिए कि आपके शरण हुए, देखिए वो विद्यार्थी जो अपने शिक्षक के प्रति श्रद्धा नहीं रखता वो शरण में नहीं जाएगा। जब शरण की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि विद्यार्थी को अपने शिक्षक की योग्यता, क्षमता,
और उसके आचरण के प्रति श्रद्धा रखनी होगी। और इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि शिक्षक जो मर्जी करे वो रखे, ऐसा नहीं। ये दायित्व दोनों, जहां एक और विद्यार्थी श्रद्धा रखे उससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का आचरण ऐसा हो कि जो श्रद्धावान हो। तो ये जो श्लोक है सर, मैं समझता हूँ कि हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी के लिए, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए एक मापदंड है कि हमें एक शिक्षक के रूप में क्या अपेक्षा हमसे, एक विद्यार्थी के रूप में हमसे क्या अपेक्षा, उसके अनुसार हम कार्य करें। और यहाँ पर आप देखिए, अर्जुन ने शिक्षा के लेने के अभी भी वो उनके संशय या भ्रम दूर नहीं हुए हैं, और ना ही श्री कृष्ण ने उनको रोका है। आगे क्या कहते हैं अर्जुन 8वें श्लोक में, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब यहां देखिए, एक और उन्होंने ये अपनी बात यहीं तक खत्म नहीं की कि अब आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। उसके बाद भी वो क्या कह रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, अर्जुन अपने उस समस्या को बता रहे हैं। यानी कि इससे पहले कि भगवान श्री कृष्ण अपनी बात कहें, वो एक उत्तर चाहते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भूमि में निष्कंटक धन धन बनने को, राज्य को और देवताओं के स्वामी पर प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता। यानी कि सब कुछ मेरे को मिल जाए तब भी मैं नहीं देखती जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को, अब यहां पर देखिए आप, अर्जुन की भाषा भी संयमित है। अर्जुन ने पिन पॉइंट कर दिया है कि उनकी समस्या क्या है, कि उनका ये मानना है, अर्जुन का यहाँ पर ये कहना है कि चाहे मेरे को ये भौतिक वाली जितना मर्जी मिल जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को, अर्थात यहाँ पर दो तीन चीजें देखें आप कि अर्जुन जो है वो आत्मा की ओर नहीं जा रहे हैं, वो जो हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के सुख दुख से ग्रस्त हैं, उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, जबकि वो गुड़ा केश भी है, लेकिन इस समय विशेषकर वो अपनी इंद्रियों पर उनका नियंत्रण नहीं है, बल्कि आप ये कहते थे कि शोक की स्थिति में है, डिप्रेशन। और यदि आप मॉडर्न साइंस को लें, मेडिकल प्रोफेशन को लें, तो आज यदि आप देखें हमारा जो समाज है, अर्जुन की स्थिति में अधिक है। मुझे जहां तक मेरा अपना निजी अनुभव है कि जब मैं युवा अवस्था में था तब मैं बहुत कम लोगों को देखता था जो डिप्रेशन के शिकार होते थे, लेकिन आज हमारे समाज में ये डिप्रेशन की समस्या बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने इंद्रिय आत्मक सुखों को या दुखों को अधिक अनुभव करते हैं। जैसे जैसे मेटेरियलिस्टिक लाइफ बढ़ी है हमारी, तो हमारी इंद्रिय ग्रस्त जीवन बढ़ा है, और जिसके कारण हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में भी यदि आप देखें तो शोक की एक शोकग्रस्तता आई है। और ये शोकग्रस्तता का तो अब कोरोना काल में यदि हम जिक्र करें तो बड़ा स्वाभाविक सा है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसके नेक्स्ट जो संजय वाच है, लेकिन वो अभिव्यक्ति अर्जुन की है। 9वें श्लोक में क्या कहते हैं संजय, हे राजन, इंद्रियों को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए।
अब यहां पर वो शोक की बात करने के बाद वो कह देते हैं क्योंकि उन्हें कोई उपाय नहीं नजर आ रहा, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब एक प्रकार यदि आप देखें, अब तक जो संशय था उनको, जिसमें कि छठे श्लोक में जब उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि श्रेष्ठ है ये नहीं है, यहां पर वो अपना निश्चित मत बता रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या किसको रहे हैं इनमें, देखिए सर बहुत इन चीजें हैं। श्लोक में देखिए, एव मुक्ता ऋषि केशम, यहां पर भगवान श्री कृष्ण के लिए पहला शब्द आया है सर, लेकिन दो अर्जुन के लिए आए, दो श्री कृष्ण के लिए आए हैं। अर्जुन के लिए तो आया गुडाकेश परम तप, तो पहले हम अर्जुन के ले लें। यदि हम देखिए यहां पर जो इससे पहला था आठवां श्लोक, जब वो कहता है कि मैं इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके नहीं देखता, उस दृष्टिकोण से यहां कहा गया कि ये व्यक्ति कौन है अर्जुन। संजय बता रहे हैं कि जिसने निद्रा पर जीत हासिल की हुई है, इनके जिसका इससे पहले युद्ध से पहले अपनी इंद्रियों पर इतना अधिक नियंत्रण था कि नींद जब वो चाहे जहां चाहे जैसे भी ले सकते थे, जितनी चाहे ले सकते थे, यानी कि वो निद्रा अवस्था में भी चेतन तत्व उनमें सदैव मौजूद रहता था। और जब चेतनता होती है तो विवेक भी होता है, लेकिन आठवें श्लोक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था अर्जुन ने कि इस समय वो स्थिति में नहीं है। इसलिए नौवें श्लोक में जो गुड़ा के शब्द है वो इसीलिए आया है। और इसी प्रकार से दूसरा शब्द संजय ने अर्जुन के लिए ऋषिकेश, संजय के लिए, संजय ने कहा भगवान श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द क्यों बोला, क्योंकि अर्जुन उससे पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मैं जो मेरी इंद्रियों इंद्रियों की बात कर रहे हैं, और ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी। हालांकि जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, बुक है, उसमें अंतर्यामी भी शब्द है, अंतर्यामी भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं समझता हूं इंद्रियों का स्वामी भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया। तो चूंकि आठवें श्लोक में अर्जुन ने इंद्रियों की बात कही, इसलिए नौवें श्लोक में संजय ने भगवान श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर रविंदर जी, सर मैं कॉल करती हूँ सर को एक बार, चलिए है ना, ठीक है, क्योंकि समय भी हो रहा है तो थोड़ा सा हमें, हाँ वही समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हाँ कोई कर लीजिए, एक दो मिनट की पेशेंस तो हम रखेंगे। जी सर। हाँ जी, हाँ जी, आप सभी जो है वो दो एक मिनट रुकें, थोड़ा धैर्य रखें, और गीता का ये बहुत बड़ा उपदेश है कि धैर्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अगर धैर्य ना हो तो फिर हमारे लिए कुछ भी करना जो है वो युक्ति संगत नहीं होता। धैर्य के साथ ही हम अग्रसर होते हैं। तो उनसे मैं अभी निवेदन करता हूँ, रविंद्र जी से, डॉक्टर साहब से, सर आप अपना माइक अनम्यूट करें। कर दिया जी। जी सर, थोड़ा ना समय भी हो गया है तो कुछ एक टिप्पणियां भी और प्रश्न भी, हाँ इसको थोड़ा सा कर दें, पूर्णता की ओर अग्रसर करें। हाँ जी, हाँ जी, मैं पूर्णता की ओर ले जा रहा हूँ सर। जी, तो गोविंद का अर्थ जो है जी सर, एक जिसे आप कहते प्रोटेक्टर ऑफ काउ लैंड एंड एंटायर नेचर, कोई वो गोवर्धन पर्वत से भी जुड़ी अनेक किस्से हैं
देखिए यहाँ पर गोविंद का अर्थ क्या है, मोटे तौर पर यदि एक लाइन में मैं कहूं कि गोविंद का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति कि जो हमारे सबके कल्याण हेतु कार्य करता है और उन कल्याणकारी कार्यों को संरक्षण देता है। इसीलिए यहाँ पर गोविंद शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपसे कहा था कि सातवें अध्याय में वो क्या कह रहे हैं, सातवें श्लोक में, कि जो निश्चित साधन जो निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, तो गोविंद शब्द को नौवें श्लोक में इस साधवें के साथ जोड़कर देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है। और सर बस 2 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट आखिरी श्लोक आगे का जोड़ देना चाहता हूँ मैं, एक ये भी है तो संजय वाच, जहां पर वो क्या कह रहे हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। सर यहां पर मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो अनुवाद है, शब्द है वो प्रसन्निव, और भगवत गीता जो गोरखपुर प्रेस वालों की जो आम चलती है उसमें हंसते हुए है। सर ये हंसते हुए नहीं होना चाहिए, ये मुस्कुराते हुए होना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराने और हंसने में बहुत अंतर है। ये श्लोक एक बात को बता रहा है कि जो शिक्षक है, एक शिक्षक के रूप में पहले तो मैं कहूंगा कि वो विद्यार्थी के समस्याओं को समझे और समझने के बाद उसका उत्तर मुस्कुरा कर दे, क्योंकि यदि शिक्षक मुस्कुराकर उत्तर नहीं देगा और वो खुद ही दुखी मन से उत्तर देगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा शिक्षक पर। तो इसलिए सर ये जो स्माइल है ना सर, ये जीवन का आधार है, और मुझे बस 1 मिनट ले रहा हूं सर, इस समय शैलेंद्र का रचित एक गाना याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, तो जीना इसी का नाम है। वो गाना जो मैं सुनता से ये जाना उसका इस श्लोक से ही लगता है प्रेरित है, क्योंकि जीना ही ये है। अब वो अर्जुन शोकग्रस्त है, श्री कृष्ण को अगले श्लोक से श्री कृष्ण वाणी शुरू हो जाएगी, तो आज का समय को देते मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि श्री कृष्ण यहां पर अंत में संजय के माध्यम से बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए अपनी बात को कहा है। तो एक शिक्षक के रूप में मैं ये समझता हूँ इस श्लोक से हमें विशेषकर शिक्षक के रूप में एक प्रेरणा मिलती है, एक शिक्षा मिलती है कि हम सदा मुस्कुराते रहें, विशेषकर अपने विद्यार्थियों के सम्मुख। जिंदगी में बहुत सुख दुख आते हैं, सभी के आएंगे आते हैं, लेकिन हम अपने दुखों को अपने शोक को अपने कार्यस्थल पर या विद्यार्थी के सामने मत लेकर जाएं, और उसके सामने मुस्कुराते हुए अपनी बात। वैसे भी यदि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यदि आप देखें, हम पढ़ाते हैं कि व्यक्ति के विकास में मुस्कुराहट का कितना प्रभाव है, और यहाँ आप देखिए कि श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े हैं, अर्जुन शोकग्रस्त है, उनका शिष्य बना हुआ है, लेकिन अपनी बात कहने से पहले वो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं अपनी बात। तो ये मैं समझता हूँ कि जो 10वां श्लोक है दूसरे अध्याय का हमारे जीवन का एक आधार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद। गुप्ता जी, और आज का लेक्चर तो बहुत ही सुंदर और सार्थक टीचर और स्टूडेंट के संदर्भ में रहा है, और कई आपने ऐसे विषय हमारे साथ साझे किए हैं जो मुझे लगता है कि हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, देंगे कि हमें किस तरह से एक संबंध को निर्वाहित करना है, कि छात्र और जो अध्यापक है उनके बीच में जो है वो किस तरह से एक संवाद होना चाहिए और संवाद के आधार क्या होने चाहिए। ये बहुत आपने सुंदर बात कही है, और बीच में एक जगह जहां आपने राजनीति के साथ गीता को जोड़ा है वो भी बहुत प्रशंसा के योग्य बात है, और मैं चाहूंगा कि अगले जब भी लेक्चर्स हों तो गीता और राजनीति इस विषय को लेकर के आप जरूर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सी के झा जी, जो
हैं संस्कृत विभाग के पोस्ट ग्रेजुएट संस्कृत डिपार्टमेंट एमपीएन कॉलेज मुलाना कि वो अपनी टिप्पणी करें, और उसके बाद मैडम विनय सिंघल और मैडम लवलीन आप लोग भी अपनी बात जरूर रखें, अपना अनुभव रखना चाहें, प्रश्न रखना चाहें, टिप्पणी रखना चाहें, और फिर उसके बाद हम एक दो बातें साझी करके फिर इस सभा को आज परिपूर्ण करेंगे। डॉक्टर सी के झा जी, झा साहब अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार। वो बीच बीच में ना व्यवधान कुछ है हमारे ना कॉलेज की, एक्चुअली ना टाइम टेबल में 9:15 बजे से हमारी क्लास है जी जी, तो उस कारण से बीच बीच में ऐसे कर देते हैं, रिजर्व हो जाता हूँ। जी सर आदेश की क्या। हाँ नहीं नहीं बस आपकी टिप्पणी ही चाह रहे थे, कुछ संक्षिप्त सी टिप्पणी आज के वक्तव्य के ऊपर, और फिर मैडम विनय सिंघल जी की भी बात थोड़ी सी लेंगे, और मैडम लेवलीन ग्रोवर से फिर हम धन्यवाद ज्ञापन करा के फिर उसके बाद जो भी चर्चा होगी एक दो विषय आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो फिर बाद में करते हैं। मुझे लगता है आपने जो इंट्रोडक्शन में भूमिका में बड़ी अच्छी बातें की थी कि जब तक कर्म आत्मा कर्म शरीर ये तीन चीजें जो है ना भगवद गीता में क्लियर स्पष्ट रूप से जो है ना समझाया गया है कि जो आपके सुख दुख की अनुभूति होती है और जो आसक्ति है वो किसके कारण से है और हमें निर्मल होने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, तो कर्तव्य कर्म जो कर्म अकर्म विकर्म है ये भगवद्गीता के मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारा हम कर्म जो करते हैं हमारे दृष्टि कैसी हो, हम कर्म कैसे करें, तो वो जो कर्म है कर्म अकर्म विकर्म, तो ये बच्चों की दृष्टिकोण से भी मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवत गीता कहती है कि आप जो शास्त्र विहित कर्म है जो वो कर्म है और जो शास्त्रों में जिसका निषेध किया गया है वो उसको नहीं करने के लिए, तो आप ये जो बच्चों के लिए आज के संदर्भ में अब अर्जुन एक सिर्फ पांडव नहीं है, हम सब अर्जुन हैं, पांडवों में से अर्जुन उस समय में व्यामोह में ग्रसित हुआ था, तो आज के संदर्भ में हम सारे ही मोह में ग्रसित हो रहे हैं, चंचल है मन और शोकाकुल भी होते हैं, दुख में होते हैं, तो वो जो अर्जुन का जो प्रश्न है वो आज के समय में हम सभी मानव मात्र के लिए ये प्रश्न है, और वो भगवान कृष्ण जो उनको उपाय बतलाते हैं वो जो दिशा निर्देश करते हैं वो दिशा निर्देश भी हम सब के लिए जो है ना पालन योग्य है, अगर हम उसका पालन करते हैं भगवद गीता में दिए गए निर्देशों का हम सही शब्द सभी अर्थों में अगर हम समझ रखते हैं तो निश्चित रूप से आज के संदर्भ में ये जो धार्मिक विकृति है राजनीतिक विकृति है सामाजिक चेतना का अभाव है उस सब में हम निश्चित रूप से जो है सही दृष्टि दे पाएंगे जैसा मैं महसूस करता हूँ। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत सही बात कही है मैडम विनय सिंघल, आपके टिप्पणी और जो भी आप कहना चाहें जो भी आपको अनुभव होता। अपने को अनम्यूट करें मैम। जी सर, सभी के चरणों में नमन करती हूँ मैं, और मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य का विषय लग रहा है कि आज हमारे विद्यार्थी आपको सुन पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला हमारे लिए एक अच्छा सा प्रयास ये है कि छोटे जो विद्यार्थी हैं वो इतने बड़े बड़े विद्वानों को सुन रहे हैं और उनके अंदर जो उतरेगा वो शायद उनको पुत्रेशना लोकेशना वित्तेशना और गीता और उनके लिए ये एक आपने कहा कि पुरुषार्थ शब्द को सुनना ध्यान से, और कई बार हम लोग कक्षाओं में चर्चाएं भी करते हैं इन चीजों की, लेकिन आपसे जब दोबारा इस चीज को आप कहेंगे विशेष रूप से आप जैसे विद्वान, तो विद्यार्थियों के अंदर निश्चित रूप से ये भावनाएं उठेंगी कि ये अगर इतने महत्वपूर्ण विषय हैं तो इन पर क्यों ना एक और डिस्कशन की जाए, और ऐसे छोटे छोटे प्रयास शायद हमारी तरफ से किए गए छोटे छोटे प्रयास ये छोटा सा योगदान होगा आपके माध्यम से मेरा भी, कि हम लोग विद्यार्थियों को
और अधिक जागरूक कर सकें और इनके प्रति जो हमारे जितने भी प्राचीन शास्त्र हैं, प्राचीन ज्ञान हैं, उनके प्रति हम उन्हें जागरूक करना हमारा एक लक्ष्य सा रहता है। और आपने हमारे लिए बहुत कार्य किया है, हम इसके लिए हृदय से आपके धन्यवाद हैं। यही मेरी एक छोटी सी टिप्पणी है। धन्यवाद मैम। आप विद्यार्थियों में से अगर किसी की कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है तो आप लोग। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न है। जी जी जरूर सर। वो मतलब श्लोक नहीं है एक दूसरे अध्याय, मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। उसमें मतलब जैसे हमारा मतलब हर एक विद्यार्थी का ये लक्ष्य रहता है कि मतलब जो हमारे सेमेस्टर हैं कॉलेज के, मतलब उसमें हम मतलब बड़े से बड़ा टारगेट हासिल करें। मतलब किसी की इच्छा रहती है कि मैं 80% मार्क्स लेके आऊँ, किसी की रहते है कि मैं 90% मार्क्स लेके आऊँ। लेकिन गीता में कहा गया भाई व्यक्ति को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए और उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर फिर प्रश्न उठता है कि जो हमारा लक्ष्य है, हमें उसे प्राप्त करने के लिए तो मतलब उसकी चिंता करनी ही पड़ती है, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है हम उसके बारे में सोचते हैं। यदि हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो हम उसमें सफल नहीं हो सकते। तो मतलब प्रश्न ये है कि तो फिर ये श्लोक का मतलब अर्थ क्या सही है? मतलब हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लव पुनिया जी ये कह रहे हैं कि फल की चिंता किए बगैर कर्म करने का क्या अर्थ है, क्या औचित्य है? बिल्कुल सही प्रश्न है। लेकिन पहले डॉक्टर साहब की टिप्पणी ले लेते हैं। हाँ बेटा, ये दूसरे अध्याय का असल में बारहवें महीने लिया था, 47वां श्लोक है और बहुत सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके दो अर्थ लेता हूं मैं। पहला, एक भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तेरा कर्म में अधिकार है। आप विद्यार्थी हैं, आपका अधिकार किसमें है? अध्ययन में। अध्ययन करना आपका अधिकार है। फिर क्या कहे, मां फलेषु कदाचन, कि फल की चिंता ना कर। ऐसा नहीं है, अभी आपने जब अपनी बात कही तब आपने ये कहा कि चिंता करनी पड़ती है। ये श्लोक इस बात का ही प्रतिकार कर रहा है कि आप फल की चिंता मत करें और ये भी निश्चित मानकर चलें कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहीं नहीं कहा कि आपको फल नहीं मिलेगा, केवल क्या कहा कि फल वो देंगे। तो यहाँ पर यदि आप देखें इस श्लोक को, बहुत संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ आपसे। एक तो इसका अर्थ ये है, क्योंकि क्या है कि यदि हम कि भाई क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, मेरी कितने नंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे, तो आज पढ़ नहीं पाएंगे आप अपना कंसंट्रेशन एकाग्रचित होकर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। उस समय आपका लक्ष्य क्या था आज इस समय? इसीलिए स्वामी जहां तक मेरे ये चिन्मय मिशन के हैं, उनके समय में नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि इस श्लोक का अर्थ है कि जो करना अभी करो, नाउ। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि आपका कर्म करने का अधिकार है, वो पोस्टपोन नहीं कर सकते आप फ्यूचर के लिए, और ये चिंता करते रहे कि मेरे को क्या फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। तो फोकस कीजिए, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने, यदि आप देखें 18वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उनका 72वां, वो क्या कहते हैं अर्जुन को कि क्या अर्जुन, हे अर्जुन, क्या तूने मेरे को एकाग्रचित होकर सुना? यानी कंसंट्रेशन। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते को उसके साथ जोड़कर देखिए। एक विद्यार्थी के रूप में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक विद्यार्थी के रूप में आप अपना अध्ययन, यानी कि कर्म करना है आपने। विद्यार्थी का कर्म क्या है? अध्ययन करना। अध्ययन कौन सा है? चिंता रहित। अध्ययन कौन सा है? अपेक्षा रहित। आशा की बात नहीं कर रहा हूं मैं अपेक्षा की बात कर रहा हूं। यदि आप फल की अपेक्षा पहले लेके बैठ जाएंगे तो परिणाम क्या होगा कि आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। आप जो कर्म करना, जो आपका अधिकार था अध्ययन करना, उससे कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे। इसलिए आगे इन श्लोकों में आता है बाद में योग के बारे में, योगा कर्म सु कौशलम, वो विस्तार हो जाएगा, इस समय मैं नहीं कह पाऊंगा, पूरे डिटेल में नहीं दे पा रहा हूं। तो इसलिए इस श्लोक को आप एक अलग से मत लें, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। और केवल इतना ही आप विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, इसका अर्थ केवल इतना है कि आप कितने नंबर आएंगे, कितने परसेंटेज आएंगी, इसको छोड़कर अभी इसी क्षण से अपना अध्ययन
ये श्लोक का अर्थ है। जी झा साहब, आप दो पंक्तियों में, तीन पंक्तियों में कोई टिप्पणी इस पे करना चाहें कि कर्म फल की जी चिंता क्यों ना करें हम? जी मैं ना लव जी डॉक्टर साहब तो रविंद्र जी तो बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या किए हैं। मैं ये लव के धरातल पे आकर के मैं लव के दृष्टिकोण से मैं जवाब देना चाहता हूँ जी कि लव जी आपका जो प्रश्न है कि कर्म जो हम करते हैं फल की चिंता नहीं करने की बात होती है, तो उसके अगले सेंटेंस में ये भी कहा है कि आप फल की चिंता नहीं करने का मतलब अकर्मण्य हो जाना भी नहीं है। तो कर्म तो करना है, फल की चिंता नहीं करने का मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि आप देखिए आपका अधिकार है कर्म करने में, तो कर्म जो है सिर्फ आपके अधिकार क्षेत्र की है, उसमें और किसी का योगदान नहीं है। लेकिन जब फल की बात आती है उसमें आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। वो रहता है कि आपने जो एग्जाम में लिखा उसको चेक करने वाले कौन हैं, वो किस धरातल किस पृष्ठभूमि से रहते हैं। आप मान लीजिए फल की चिंता कर लिए, आप लिख के आए और आप जो है ना सबको कह दिए मैं तो 90 लेके रहूंगा, मेरा तो 90 ही आएगा। लेकिन आप जो अशुद्धि किए हैं, मान लीजिए हलंत है, विसर्ग है, किसी प्रकार की अशुद्धि है जिसका आपको बोध नहीं है, तो जो जिसके पास कॉपी गया हुआ है वो उसके आधार पर उसका नंबर कम करके अगर 70 कर दे तो आप 80 मान के दुखी होंगे, मेरा तो 10 नंबर कट गया। लेकिन आप सिर्फ कर्म बढ़िया से किए रहेंगे तो आपको जो नंबर मिले आपको खुशी अंदर से अनुभूति खुशी की होगी। इसलिए आप फल जो है जो किसी और के हाथ में है उसके बारे में आप क्यों चिंता करेंगे, आप सिर्फ कर्म बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि ये मतलब है इधर। जी धन्यवाद। लव जी, इसका एक तीसरा पक्ष भी हम देख लेते हैं। जब स्पोर्ट्स के बच्चे, पर्टिकुलरली जो फुटबॉल खेलने की जो टीम जब जाती है, तो एक बार उनसे मैं ऐसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आज हम दूसरे कॉलेज को हरा के ही आएंगे। और जिस अंदाज में और जिस तरीके से उन बच्चों ने मुझे कहा, तो मैंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम इस बात को भूल जाओ, हराने बराने के चक्कर में मत पड़ो, तुम केवल गोल करने पे ध्यान दो। और ये बात जब मैंने उनसे कही तो उन लोगों को थोड़ा सा समझ में आया कि ये कुछ और बात हो गई, कि अगर वो सिर्फ हराने पे ध्यान देंगे तो उनके कर्म में विकृति आएगी, कर्म भी पूरा नहीं होगा, कर्म में पूर्णता नहीं आएगी। जब केवल गोल साधना उनका कर्म है, उसको जब वो पूर्ण कर लेंगे तो फल कहीं गया नहीं, फल जो है वो कर्म से बंधा हुआ है। तो कर्म में पूर्णता होनी चाहिए, कर्म में दक्षता अपेक्षित है। अगर वो केवल इस चीज में लगे रहेंगे, वो फुटबॉल की टीम की, उनको हराना है, तो वो दूसरों से द्वेष भी करेंगे, झगड़े भी करेंगे, चालाकी करेंगे और कई तरह के अलग से जो है एक व्यवहार खड़ा कर देंगे। लेकिन अगर उनका लक्ष्य केवल मात्र इतना है कि हमने मिलकर के केवल गोल दागना है, फुटबॉल को गोल में डालना है, तो ये कर्म की पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे और फल आ जाएगा। फल के ऊपर ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं विकृति पैदा कर लोगे, अपने लिए भी कठिनाई पैदा करोगे, समाज के लिए भी कठिनाई पैदा करोगे। इसीलिए 100 नंबर पे 80 नंबर पे ध्यान मत दो। अगर आपके जो उत्तर लिखने में परफेक्शन है, दक्षता है, कुशलता है, योग सिद्ध आपका वो अगर कर्म है, तो निश्चित रूप से फल बंधा चला आएगा। फल की चिंता क्यों करते हो? फल कहीं नहीं जाता, कर्म ही हमारा सिद्ध नहीं होता। हम लोग जो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, किस लिए होते हैं? क्योंकि हमारा कर्म सिद्ध नहीं है, इसीलिए तो दुखी होते हैं, इसीलिए परेशान है। तो कर्म को सिद्ध करने के लिए योग है कर्मसु कौशलम, वो कुशलता ले आओ, तो फल कहीं नहीं जाता। ये कम से कम मैं ये विश्वास आपको दिला सकता हूँ, फल आपके अधीन है, फल जब चाहो मिल जाएगा, लेकिन कर्म को सिद्ध कर लो एक बार, है ना? तो अब ओके इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, और भी मैं सर, चाहूंगा एक और प्रश्न था। हेलो एक और है। अच्छा, या वो जी, मैडम से करोगे आप, अपने टीचर से? अच्छा चलिए प्रश्न कर दीजिए, फिर भी हम देख लेते हैं। सर मतलब मैंने एक बार पढ़ा मतलब 10वां अध्याय का 37वां श्लोक, उसमें मतलब जो भगवान श्री कृष्ण वो कहते हैं भाई पांडवों नाम धनंजय, यानी मैं मतलब पांडवों में अर्जुन हूँ। लेकिन हाँ सर मतलब हम पूरे महाभारत में देखते हैं तो मतलब जो मतलब
जो युधिष्ठिर है वो मतलब धर्म के पक्षधर है, मतलब धर्मराज उन्हें कहा जाता है। और मतलब जब वो पांडव अज्ञातवास में होते हैं 13 वर्ष में, तो उसमें भी मतलब जो यक्षराज आते हैं उनकी परीक्षा लेते हैं, तो सिर्फ एक मतलब युधिष्ठिर बचते हैं, बाकी मतलब 4 भाई अमृत हो जाते हैं। तो मतलब भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि भाई मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, मतलब क्यों युधिष्ठिर कह सकते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, तो ये जी प्रश्न है मेरा। अच्छा, अभी तो मैं सिर्फ बहुत एक पंक्ति में संक्षेप सा इसका उत्तर दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद आप मैडम से चर्चा कर सकते हैं और बाद में डॉक्टर साहब से भी बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि रविंद्र जी टिप्पणी शायद करने के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो सरलता का दूसरा नाम है। भगवान जो है वो प्रेम सरलता से करते हैं, वो ना आपके किसी और चीज से, भीमसेन जैसी ताकत से नहीं करेंगे, युधिष्ठिर में युद्ध में जो स्थिरता वाला है उससे नहीं करेंगे, अर्जुन और नकुल की कुशलता, नकुल और सहदेव की कुशलता से नहीं करेंगे, लेकिन अर्जुन की सरलता से करेंगे। तो अगर आप में सरलता है तो आप और भगवान में कोई अंतर नहीं है। टिप्पणी करना चाहेंगे रविंद्र जी, डॉक्टर साहब, ताकि फिर हम धन्यवाद ज्ञापन करें और इसको आप पूर्ण करें। अशोक जी आपने बहुत सही कहा, मैं इसमें और नहीं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि केवल इतना ही है, भगवान श्री कृष्ण ने जो आपने कहा उसी बात को पुष्ट करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये जो गीता की बात कही है, मैंने ज्ञान दिया है आपको, ये मैंने आपको इसलिए देखो कि आप जो अर्जुन को कह रहे हो तू मेरा प्रिय सखा है, जो आपने बात किया प्रिय, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तू मेरा प्रिय भगत है, बल्कि उन्होंने शब्द बोला है प्रिय सखा, और सखा का अर्थ आप समझते हैं सर कि जिसके साथ आपका प्रेम होता है, तो भगवान तो बेटा लव, और आपका तो यार नाम ही बहुत बढ़िया है अंग्रेजी में, बस है और तो कुछ नहीं, प्रेम की आप तो प्रतीक हो, बस आप समाज से प्रेम करें, संस्कृत नहीं प्र, प्र, आप तो समाज से प्रेम करें, अपने आप आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, इसका दूसरा दो पक्ष भी ब्रदर्स है हैं लव डॉक्टर। और कुश, दो ब्रदर्स हैं सर ये लव और कुश। नहीं अच्छा नहीं अच्छा इसका इसका हाँ तीसरा पक्ष भी है, वो ये हाँ है कि लव जो है वो कण को कहा जाता है, कि समय का जो एक छोटा सा अंश है, तो भगवान के तो अंश स्वयं ही हो गए, लव जो है वो काल भगवान का अंश है, तो इसलिए वो बड़ा महत्वपूर्ण। आपके नाम में सारी सार्थकता छिपी हुई है, तो इस विषय को थोड़ा सा और फिर ले लेंगे, लेकिन अभी जो है वो मैडम लवलीन जी जो है वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगी आज के इस सभा को पूर्ण करने के लिए, और फिर उसके बाद हम इस सभा को का विसर्जन करेंगे। जी सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। डॉक्टर रविंद्र कुमार जी ने जो आज और कल 2 दिन हमारा जो सत्र चला, श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय की संक्षिप्त रूप से टिप्पणी की, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने वाले जो संबोधन थे उनमें छिपे गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया, हमें परिचित करवाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसे आयोजनों का प्रयोजन हमारा स्वयं को और अपने छात्रों को जागरूक करना है, और इन चारों कॉलेजों के संस्कृत विभाग के इस एकत्रित प्रयास के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। अंत में डॉक्टर आशुतोष जी के ऐसे सार्थक प्रयासों के लिए मेरा नमन। डॉक्टर सी के झा जी का भी धन्यवाद करना है, डॉक्टर विनय जी का भी, और जो विशेष रूप से छात्र जुड़े हैं हाँ वो तो सचमुच सभी आभार का के, हाँ उनके प्रति तो हाँ हम आभार व्यक्त करते ही करते हैं। और आज का हम सभा को यहीं पूर्ण करते हैं, और इस अपेक्षा के साथ कि निकट भविष्य में इस गीता के प्रसंग को हम और भी अग्रसर करेंगे। और डॉक्टर साहब से मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि अगला जो वो कार्य कर रहे हैं कि गीता और संविधान के आपसी संबंधों के ऊपर, मैं चाहूंगा कि 2 लेक्चर्स जो हैं वो गीता और फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आप में से जो कोई भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होंगे तो उस पे जरूर हम भविष्य में, निकट भविष्य में चर्चा रखेंगे। तो इस सभा को विसर्जित करने से पूर्व मैं आप लोगों के साथ दो एक बातें साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि चारों टीचर्स हम जुड़े हुए हैं, और भी जो टीचर्स अगर कोई जुड़े हुए हैं तो बता सकते हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो है वो जल्दी ही, मेरा ख्याल है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने जा रही है, तो उसमें मेरे मन में ये विचार था कि एक बार हम लोग इस विषय पे चर्चा करें कि इंटरडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर अनौपचारिक चर्चा, कोई लेक्चर नहीं कुछ नहीं, लेकिन हम चर्चा सिर्फ एक रखें, जो लोग भी जुड़ सकें डिफरेंट विषयों के
अध्यापक उनके साथ हम निकट भविष्य में ही चर्चा रख लें, 2-4-5 दिन में। नंबर दो कि कुछ एक विषय ऐसे मन में आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक एक कॉलेज को हम आगे करके तदनुसार हम उन विषयों को करें। जैसे कि मैं चाहता हूं कि हम फिजिक्स वालों को पहले मिलाएं, फिजिक्स में एक एक विषय लें, जैसे कि हम मैटर को लें और इधर संस्कृत से द्रव्य को लें, तो एक विषय संस्कृत फिजिक्स का हो गया मैटर, और इधर से जो है वो संस्कृत में द्रव्य, जिसने भी वैशेषिक पढ़ा है वो कर सकता है, ठीक है। फिर दूसरा जो विषय हम उनके साथ लें वो एनर्जी के ऊपर ले लें, और इधर से शाक्त साधना को ले लें, और तीसरा इसी तरह से जो है वो दो अन्य और जो भी विषय हैं, प्रकाश, प्रकाश का जो लाइट का जो है, लाइट एंड साउंड, उसका विषय ले लें, और इधर से जो है वो संस्कृत में जो भी हमारी प्रकाश की अवधारणाएं रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम फिजिक्स वालों के साथ मिलकर के एक ये पक्ष जरूर ले लें, ठीक है, तीनों कॉलेज, चारों कॉलेज मिलके एक एक विषय को ले और बाकी सारे सहयोग करें, तो उसको हम जरूर टेकअप करें। और दूसरा, मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर कर ही लिया था 4 तारीख का जो विषय है, लेकिन 5 तारीख को एनवायरनमेंट डे है, तो मेरे मन में आ रहा था कि हम उस दिन भी कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा सा आयोजन कर लें, तो उसमें एक लेक्चर हम रख लेते हैं कि भारतीय परंपरा में प्रकाश और जल संस्कृति का जो स्वरूप है, उसका जो परिभाषिकरण है, उसके ऊपर हम बात करें। क्योंकि सामान्य रूप से हर कोई जो बात करेगा एनवायरनमेंट डे पे, वो तो यही बातें करेंगे कि भाई सारी दुनिया की एनवायरनमेंट खराब हो गई है, इंडस्ट्रीज बंद कर दो और पेड़ ज्यादा लगा दो, ये सामान्य चर्चाएं हैं जो सभी लोग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इन सांस्कृतिक प्रकाश और जल की संस्कृति को अगर हम परिभाषित करें, उसके तत्वों को समझने की कोशिश करें और कैसे वो हमारे जीवन में, भारतीय जीवन पद्धति में है, तो वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो मैं नोटिस जो है वो, अगर आप लोगों की अनुमति है, सहमति है, तो 4 और 5 का इसी तरह का हम कर लेते हैं। सर, तो इसमें, हाँ जी बताएं सर, इसमें जैसे आजकल चल रहा है ऊर्जा संसाधन सारे हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, चाहे जल है, वायु है, तो हम एक दो तत्व को भी जोड़ लें, या प्रकाश को ऊर्जा के साथ जोड़ करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको साथ क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं ये सारे ना, ये साइंस वाले करेंगे, और ये सारे के सारे जो विषय है ये यूटिलिटेरियन है, ये सेंस नहीं कभी भी पैदा करेंगे कि वस्तुओं का, तत्वों का उपभोग कैसे करना है। समस्या एनवायरनमेंट की समस्या तो इसीलिए ना कि उपभोग की समझ नहीं है, तो वो एक संवेदनशीलता के प्रश्न है, और वो आपको वैदिक कल्चर में मिलेंगे, पौराणिक कल्चर में मिलेंगे, कि कैसे आपकी सारी संस्कृति किस पे आधारित है, जल पर, आपकी सारी उपासना पद्धतियां किस पे आधारित हैं, प्रकाश पर, और प्रकाश और जल पे ही तो हमारा सारा का सारा, जिसे हम धर्म कह रहे हैं, सनातन कह रहे हैं, वो यही है। तो मुझे था कि चलिए उसको कर लें, बाकी उन्हें तो ये सारे फॉर्मल करने ही है, हमारे लिए फॉर्मेलिटी नहीं है, हमारे लिए तो ये एक हृदय की बात है, तो इसलिए ये मेरे मन में थोड़ा विषय था। तो मैंने कहा आप लोगों की सहमति ले लूं, तो 4 और 5 तारीख दोनों दिन हम ये रख लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की सहमति मिल गई है, मैं उस को दोबारा से बना करके उसमें एडिशन करके वो कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है झा साहब, ठीक है सर, बहुत बहुत ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू लवलीन, थैंक यू मैम बिने जी, थैंक यू सर, और डॉक्टर रविंद्र जी, आपका तो हम क्या आभार व्यक्त करें आपसे तो हम निरंतर कुछ ना कुछ नया सुनते ही रहते हैं, और आप भी निरंतर उत्साही बने रहते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद आपका। सो आज की सभा यहीं पूर्ण करते हैं, और हम सभी जो है अगर चाहें तो सभा का विसर्जन कर